तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए राजस्थान में हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के 12 नवंबर को दूसरी शिफ्ट में हुए एग्जाम से पहले ही पेपर लीक करने के 4 आरोपियों को मंगलवार को राजसमंद का काकरोली पुलिस गिरफ्तार कर राजसमंद लाई है। उधर रेलमगरा से गिरफ्तार बिजली कर्मचारी दीपक शर्मा को पुलिस ने 8 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। वहीं पेपर के आंसर शीट को परीक्षा से 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया गया था। मामले में मुख्य आरोपी दीपक शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद कांकरोली पुलिस जयपुर से पवन सैनी को गिरफ्तार किया गया है। पवन ने दीपक को आंसर शीट भेजी थी। इसके अलावा पुलिस ने उन 3 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है जिनसे दीपक ने 6-6 लाख रुपए में डील की थी। काकरोली पुलिस थाना अधिकारी दुर्गा प्रसाद ददीज के अनुसार वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दीपक कुमार शर्मा को आंसर शीट भेजने वाले मुख्य आरोपी पवन कुमार माली भी शामिल है। पवन कुमार माली के पास वन रक्षक भर्ती परीक्षा के आंसर शीट कहाँ से आई थी, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर हर बिंदु से जाँच की जा रही है और परत दर परत संभावना है। सो दोस्तों, वन रक्षक से जुड़ी बड़ी खबर की वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।